ये मेरा फिजिक्स लैब है और ये स्कूल की वो जगह है जहाँ पे मैंने मेरा अधिकतर समय व्यतीत किया है, एक्सपेरिमेंट्स करने में, बच्चों के क्लासेस लेने में। 2019 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, तब इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे। पिछले 4.5 ईयर में ये सारे इक्विपमेंट्स मैंने स्कूल से रिक्विजिशन दे दे के इकट्ठे किए हैं और अब मेरे ट्रांसफ़र का टाइम आ गया है। ये जगह छोड़ने में थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे बच्चों की यादें जुड़ी हुई हैं और ज़िंदगी के जो 4 साल, महत्वपूर्ण 4 साल होते हैं, वो मैंने यहाँ पे बिताए हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना इमोशनल अटैचमेंट ऐसा हो जाता है किसी जगह के साथ। यहाँ पे आना जाना लगा रहता है और यही आना जाना लगा रहता है, इसी से आदमी की प्रोग्रेस भी होती है, तो ये उसका एक पार्ट है। इसलिए यहाँ पे छोड़ के जाने में कोई ज़्यादा ऐसा है नहीं कि जा रहे हैं तो, क्योंकि पता ही आप सभी को जाना ही पड़ेगा एक दिन। तो यहाँ अपनी सर्विस के सक्सेसफुल 4 ईयर्स मैंने कंप्लीट किए हैं और ज़्यादा खुशी की बात यह है कि यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस थे अवेलेबल थे मेरे पास, बच्चों को मैंने अच्छे से ट्रेंड किया उसमें। आप ये जेसीबी मशीन देख रहे हो, बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया, बच्चों ने जेसीबी मशीन बनाई, ये तो वुडन से बनाई है। इधर आगे आप ये देखेंगे, ये तो बच्चों ने बिल्कुल ही कलाकारी की है। यहाँ पे ये देखो, पूरी कार्डबोर्ड से जेसीबी मशीन बना दी बच्चों ने सिरिंज यूज़ करके, और ये टोटली वर्किंग है। ऐसा नहीं है कि एक मॉडल बना दिया या डेमो टाइप बना दिया, वर्किंग मॉडल है। तो ये मेरे लैब के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब नए स्कूल में जाके वहाँ देखते हैं कैसी लैब मिलती है और वहाँ से टीचिंग करियर की एक नई शुरुआत करते हैं।